हां जान थारो के हाल हो? खैर जी ठीक ठाक। आरा सफरो कितना किराया गयो? हां सफर है इतना। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद कर रहे हैं आगे सो सारे वालों सो मैं इरफान जफर सो तकीरो जनाब कश्मीर टीवी जनाबे वाला तकने उसो में ड्रेस चेंज कर इंदा इथु अगे बकरवाला ने जिंदगी ने अपर फिल्मा बनाना बनाना इन्होंने नाल जासा। फिलहाल जिथे मैं मौजूद हाँ मैं बुजुर्ग खलते हैं साढ़े कोल इन्हों को पूछना चाहना इस जगह ने बारे इतने ने रहन सहन इतने ने कल्चर ने बारे। फिर अगे खच्चर आई रही है समान सारा उसने अपर लदी गया तो इन्हें नाल सफर शुरू हो गया सी। जी सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम सुना जनाब? राजा मोहम्मद मंजूर खान। माशाला। अच्छा जनाब ये दसो कि जिस जगह अस खलते हैं इस जगह क्या नाम? बीस बंगला। तो एक बीस बंगला केड़ी वजह थे मशहूर है? बीस बंगला मशहूर है कि बेस कैंप से। अच्छा। जिस नाल आम हालात नाल उसकी बीस आखना है लेकिन है बेस कैंप जो संताली नंगा पीरू की लड़ाई हुई ना जी जी इतु सारे लोगों सारे तलवारों बंदूक जी कच्ची टोपीदार बंदूक से उस नाल जाके तो उन्होंने नसाया फिर तो बाग बाग तो पूछ सक जिस मेरे वाल साहब खुश उसी सुबहदार रिटायर से आर्मी ने तो उन्होंने बड़ी कुर्बानी है और साढ़े चाचे जड़े गुजरे हैं और साढ़े बीस बगले ने इस वाल बेताली शहीद हैं। ठीक है बेताली शहीद जिन्हें अपनी जातों पेश की और जेड़े कद्दार भी शहीद होए कोई पुंछ भी शहीद होए कोई ऐसे नौजवान साढ़े गए मेरे दो त्रे भतीजे जेड़े वापस नहीं आए कश्मीर। चलो ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद रखने लो जी जनाब जंगला ना सफर शुरू हो गया नाल माले बगड़ू साहब हैं जिधर इन्होंने अपर अजड़ बालिया ने उधर जंगला दर जा ही रहे हैं। समान पिछे एक घर च रखी आए हैं क्योंकि खचर बहुत दूर निकली गई तो वह जाणियों चासा समान असा तो अज तो बाद एक नवी जिंदगी ना रुख इंशाल्लाह तुसा तक सो। लो जी जनाब आखिरकार मारो पड्डो लभ गयो तम इसलिए जंगल में हूँ तो इतने दो घंटे सौं क्योंकि रोजो चंगो लगो इन्हें की लौड़नी तो हाले प्यादल ही सफर तकरीबन 15 किलोमीटर जड़ा ना रोजे तो पहले प्यादल सफर करना मैं लिहाजा इतना हूँ रेस्ट कर सा उस तो बाद अगर इन्होंने टुरसा तो टुरनी बड़िया सोहनिया जगह तुकी दसा तो कोई यकीन करो तुम दिल खुश हो जा सी। लो जी जनाब इतू उठी खलते हैं क्या कि मकामी लोग इतने नहीं बहन देने आने में कड्डो इतू जंगलों चूना भड्डा शड्डा बकरियां ना चरान देने असा हाले कि इतना बड़ा जंगल है मैं समझ नहीं लगनी कि क्या इस तरह करने बहरहाल असा क्या आखी सकने मैं तो जो कि तकसा वो कोई नाल नाल रिकॉर्ड करके तो अपने व्यूवर की दसना जसा यह सारिया भड्डा हूँ थले भी ढालन लगे हूँ सफर दोबारा अगे ना जरा सा ना वो शुरू हो गया क्योंकि इतने अस हाली सह पेन लगे दस जंगलों चु लिकड़ी गया दोबारा अस चढ़ी गए जनाब रोड पर सफर अगे ना शुरू है जिथे अज अस पुजना वै तो हूँ तकने अगे केड़ा केड़ा एरिया अच्छा वै ਆ ਤੱਕਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਲਸੋ ਅਗਾ ਨਾਂਗਾ ਛਾ ਨਾਂਗਾ ਆਹੋ ਨਾਂਗਾ ਛਾ ਇਥੋਂ ਕਿਤਨੇ ਦੂਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਉਸੇ ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਅੱਜ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂ ਰੁਕਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾ ਡੰਨਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਡੰਨਾ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਡੰਨਾ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਦੀਦ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਨਾ ਪਲੇਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ क्योंकि आज सफर वाह 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 साड़ा थोड़ा सफर नहीं समझी गया ना तो सफर ही रवान दवा ये तकरीबन 6 to 7 बंदे जेड़े इसलै ना निके बड़े जेड़े बकरियां ने नालो नाल क्योंकि इतना कि बंदे इतने नहीं खलन देने आने जी अगर कड्डो सानियां मत जान ते बकरियां का ना खाई जान। व्यू तको हाँ एक बारी मैं ना कुदरत आले ना नज़ारा इतों कितना ही प्यारा वो सामने जहाँ पहाड़ तकने हो ना ये गंगा चोटी है जिसने अपर असा पिछलियां वीडियो गए सारियां बकरियां तकने सो लैनो लैन आई रही
यो हम इस टाइम दरख्तों को छामे में हो तो मार साथ खान जान हो तो और थारो के ना राशिद इसको नाम राशिद हो तो हम पिछो जंगल में रेस्टो कर तो बार उधर से लोको बोलतो के इधर कहा हमारा ना नुकसान कर तो नसनो लो गलो तो हम उधर से ना साऊ फिर एक और जो वो बकरी को बालो उन इधर बकरी पर डो हमारो रेस्टो कर तो थलो ते फिर हम आगे जड़ाना जुलतो मैं लग गया सा कोशिश करन के थोड़ी देर सही जा क्या पड्डा रेस्ट कराई रहा एक और जगह तो इसलिए माड़े इर्द गिर्द ना मारो पड्डो ही पड्डो हो गयो यो तुम तक तो हूँ असा मलोट बाजारा दाखिल हो गए तकरीबन साड़ा सफर जड़ा वह 10 किलोमीटर अगे रही गया बड़ी उच्ची एक पहाड़ी ने उपर चढ़ना रेवड़ तकने उसो सारा जड़ा ना इसलै सफर रवा दवा ये मलोट बाजार सी जिसने चो असा क्रॉस करके आए हूँ सारे रेवड़े की नहीं क्या अपरा दर जा रही लेकिन मौसम भी थोड़ा जड़ा ना यह खराब होना जाना वे कोई चांस चाड़ छाड़ पैना पा बारिश दो बंदे अगे टूरी रहे हैं बाकी सारे बंदे पिछे पूरे रेवड़े की हूँ पहाड़े दर इन्हें क्या तै जा रहे हैं गर्मी ओवरऑल इतना नॉर्मल ही है जी गर्मी साढ़े होनी है 10वें 11वें वो इतना इस लैवे अगू समझी गए उन्हें कि गर्मी होनी है मैं इन्हें लाइया थोड़ी देर बाद चूही जान क्या सफर ना काफ़ी थकी हैं सारा समान चाहिए लाइया जानी लेकिन ये और रेवड़ है साड़ा जहाँ रेवड़ है ना ये रेवड़ और है हाँ जान थारू क्या हाल हो खैर जी ठीक ठाक है सफर कितना किराया गयो सफर है 3-4 घंटा 3-4 घंटे है ना जी हम तो फिर मर जाऊंगा रोजो रख के हम मरूँ आज पक्को ऐसे हाँ वो जो सामने पहाड़ तकने उत्था पुजना सा शाम तो पहले पहले कितना कोई सफर रह गया ऊपर बा हूँ थोड़ा रही हो जी मुझ याद हो 15 मिनट हो गए हाँ नहीं तो मारो रोज हो तो मैं मार जाऊँ हाँ ना जरा नहीं किया भैया क्या चलता रहो फिर गए समझ आ गया होते ना मैंने पता ना मुश्किल हो रही है कि कुछ गड्डी की राह देने वास्ते ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है बाय बाय करन लगे इनमें कि और ही नहीं खास मुश्किल को नहीं लेकिन रोडा चल रही ना रोडा बंद हो जानियाँ जी जनाब हाले भी सफ़र जारी है शाम ना टाइम होने लगा हूँ रोज़ा अफतारी कर सा राह ची अज पड्डा लिया गई तो मैं मठा मठा सा इन्ना इन्ना इन्होंने नाल चढ़ी जा सा उपर ठीक है तो इंशाल्लाह इस तू अगे तुसा कि नेक्स्ट वीडियो दसा अपने सफ़र ने तो उम्मीद करना है कि आज नहीं वीडियो से चंगी लगी उसी अज बनाई बहुत रशिया बच्च है अद्धी दिहाड़ तो लाई छोड़ी इन्हें कि लौड़ने बच्च तो बाकी अद्धी दिहाड़ लाई छोड़ी है टुरने बच्चे तो हूँ बिल्कुल छुट्टी हो गई है तो एक जगह बैठे हाँ तकने उसो चीड़ा ने बच्चे बल्कि चीड़ा भी नहीं होर कोई बूटा वे अवतारी समान रख के बैठे हाँ टीकना वा रोज़ा खुला है रोज़ा खोला तो मजीद अगर सफ़र मारिया पुजा जिते इन्हें डेरे लाए वे तो अल्लाह सोने वाला जनाब मैं अपनी दुआएं याद रखे तो मिलने अगली वीडियो इंशाल्लाह।